हर कैसे हार्ष बुलाई जिला बुलंदशहर के फौजन से राधा चरण के ढोला का तीसरा भाग पेश करने जा रहे हैं, जिसके गायक हैं श्री दलीप सिंह यादव, संगीतकार हैं भारत सिंह यादव, लेखक हैं श्री हीरा सिंह यादव। ये सज्जनों, राधा चरण अपने बुद्धायार से कहने लगा कि दरोगा जी से मेरी पिछली यारी है, तू इस चिट्ठी को जेब में डाल देना तो बुद्धा दुखित होकर चलता है। आगे सुनिए। अरे चल दो भैया बुद्धा ने करी नारे तन कऊ भार, सामे बुद्धा हृदय में पुनर रोए कर तार, आज मेरी नई आंखों लगाए दे मोहन पार, आज ना बनरी अदबर में डूब रही नीला धार। हमने कहा मेरो गिरधारी बनाए दो नाहर यार, वो नाहर मेरे पिछले रे जन्म को दावादार। बुद्धा पछताता है, चिन्ह लगा भगवान आज मेरी नाक अधवर में है, तुम्हें साल लगाओगे, ये तो पिछले जन्म का दावादार था। इस प्रकार मन में कल्पना करता हुआ बुद्धा बरात के नजदीक पहुंच जाता है। गए देख दूर पे बुद्धा की तरफ को थानेदार, के कहने लगा दरोगा आगे तो लेकर बतलाओ तुम कहाँ रहते हो कहाँ जाते हो आधार। बुद्धा की तरफ पर दूर से इन चार साथ देख रहे थे, कहने लगे आप कौन हैं, कहाँ पे आए हैं। आया है नाहर बरात में लेकर के अपनी कार, जैसे बुद्धा तेरो मेरी सुन लियो सरकार, मैं क्या जानू था कौन और भीख पति मोटरकार। उधर चार पास कहने लगे ये बताइए राधा चरण बरात में आया है या नहीं। बुद्धा बोला मैं क्या जानू कौन था, किसकी मोटर कार थी, मैं तो एक भथुआ बरातिया हूँ। लेकिन इन चारों पार ललकार मारते हैं और कहने लगे बतला दे पाले ठीक थी कबे कहाँ गया परदार। पास कहने लगे पहले ठीक ठीक बतला दे तेरा पर्दार है वो कहाँ गया है। तो बुद्धा कहने लगा कि कौन पर्दार, मैं पर्दार को नहीं जानता, मैं जब आप नहीं मानते हैं तो पांची अहवाल बताता हूँ, वास्तव में भथुआ बराती हूँ मैं तो। आया हूँ खाने को भात इस पर आई तूने, पाप बड़े ना को बनी और पंडी को दात, मिले पाप बड़े ना को बनी और पंडी को दात, मेरे लिए मिलेगा दिन एक लक्ष भर बात, मेरी उपती ना कोई जी से कहने लगा बुद्धा कि मैं तो भथुआ बराती हूँ, वर्णा को वर्ण मिलेगी संधि को दान मिलेगा, मैं तो एक लप घर हाथ जो खा जाऊंगा वो बात ही है, मैं किसी को नहीं पहचानता बरात में। बातन बातन में बुद्धा ने दजे है बादल फारी,
थानेदार की पैक कमे दईये किसी आजारी ले आयो बात बंदी का बहादुर आयो बाजी मारी बुद्धा बंदूक लेकर के और चिट्ठी डालकर दरोगा जी की पाकट में चला आता है। राधा चरण से कहने लगा बस हमारा तुम्हारा आज फिर देवता न खत्म है, ना हमारे यार रहे तुम ना हम तुम्हारे, क्योंकि हमें हर वक्त आपकाल के सामने भेजते हैं। दौड़ा जाता है और कहने लगा मेरा तेरा दोस्ताना खत्म है। तो राधा चरण समझाता है बुद्धा नहीं मानता है। तो राधा चरण कुछ नीति उपदेश देता है बुद्धा से भी और कहता है अरे निजाराम भोगा नर भारता बुद्धा पुने लगे लार हमार अरे कोई न काऊ रे दुखा दुखा देता के महादेव की गए रे उचारी माया जात रे दावादार आगे बिना पता चल रे पुना बिना पीरा बड़ा बिना के हाथ पैरा नहीं रात अगो आनन रे पता चल रे भोगी बिना पानी बता बिहार बुद्धा पे राधा चरण कहने लगा भारत सिंह के मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है, कोई किसी को बुद्धा सुख दुख नहीं देता। भगवान सदा एक रफ रहते हैं, उनको कभी माया व्यापित नहीं होती। लेकिन तू इतना घबराता है देख पहले प्रखाओं को देख से बदी चाहरी चंद्र नरेपा धर्म का आज दुख पाए रे अमर अरे जब तक रवि पति कायम रहे तब तक यो जागा रे संहार अरे नाथ पान छेड़ भीमू रताया और अब मैं भी प्रणा को नहीं छोड़ूंगो ताजिया उड़ जाए मैं नहीं भूल जाते माफी मांगोगी जामो आज पालो खा जाए अरे जान प्यारी हरे तो बूढ़ा तो तू अपने घर कहूंगा चिपकी बात देखता छाड़ा लाभम भी कम ढे देखा संग सुन के बुद्धा के रो सुन ना हर कानरे लगाए में संग से रो बाई दिना छोड़ू होगी मैं एक काम काम से जारी बुद्धा से कहने लगा ये शरीर ना अपमान है, जीव तो अमर है लेकिन तू शोक किस बात का करता है, जीव ना अपमान नहीं है जीव अमर है। एक दिन जब चक्रवीर की लड़ाई पे मैदान जंग में छन गई तो अरुणी ने 16 साल की उम्र में प्राणों का त्यागन कर दिया। बुद्धा अगर तुझे अपनी जान पा रही है तो तू अपने घर पर चला जा, मेरी बंदूक मुझे दे जा, मैं पुलिस से माफी नहीं मांग सकता, चाहे मेरी धजी धजी बोती बोती अलग हो जाए। बुद्धा कहने लगा जब ऐसी ही बात है तो पंग मैं भी उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन दो गंपों में तो एक रह जाएगा,
लेकिन रामायण में भी लिखा है अति चीरा जाड़ा कारे जो कोई, अति संग पाना कारे जो कोई, दल प्रगत चंदन होई। अति संग और फकन्नू से चंदन कितना पीतल होता है, उस पर भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बुद्धा पर जब राधा चरण की उपदेश में ज्यादा घर मचाने लगा तो बुद्धा को लहरा जाती है, कहने लगा चल हम तीन यार यार हम देखा जाएगा। दोनों यार ढाके को चले आते हैं लेकर के घोड़ी को, सारे चार पाप जहाँ रझोला के लिए घोड़ी थमा रहे थे वहीं पर आ जाते हैं। तो ना तो वहाँ घोड़ी का ही पता ना रझोला का ही, अचानक जेब का हाथ रख जाता है, खत पड़ते हैं तो खत में क्या लिखा था, अरे सिद्धपुरी सब लोग इधर होगा जी, कहां तक हो गया हूं मैं, और अटल प्रतिज्ञा करनी है निश्चय धर्म निभाऊं मैं, अरे बाल बुज में से होली में जाम के दिन है आम मैं, अपे आते व्यक्ति को मुल के अदम पठाम मैं। खत में लिखा था का बाल भूमि को आऊंगा, शंकर ने मेरी चुगली की है, इस वजह से शंकर जरूर मांगा है पुलिस का इंतजाम रखे थानेदार साहब। मैं इस बात की चुनौती करता हूँ, इन तारा पार चुप कई थाने में आ जाते हैं। उधर में एक खत तहसील के लिए, एक थाने के लिए राधा चरण से लिखता है, दोनों चिपका देता है। बुद्धा जाकर के उधर को सोया को तहसीलदार उठते हैं और इंचार्ज साहब भी उठते हैं, खत पढ़ते हैं। जब खत पढ़ा दोनों साहबों ने तो अलाक रह गए और तहसील को चल दिए इंचार्ज साहब, अरे पढ़त ही पात्र का जब भला भारी, तहसीलदार को चढ़ी रे थे बिहारी, लब कपटे पतलू न पमारी थी, चाप धरी लैया तो पाया रारी, उधर उनका रफ्तार भी तहसील के दरवाजे पर पहुंच जाता है, पहुंच जाते हैं। तहसीलदार कहने लगे इनका रफ्तार आप तो हफ्ती पर भी हमला कर दिया राधा चरण ने, ये खत भेदी द्वारा टंगवा दिया है। इंचार्ज साहब कहने लगे यहाँ कोई नई बात थोड़ा ही है, ऐसा तो सैन बोर्ड हमारे थाने पर भी टंगा हुआ है। चलो भाई दोनों साहब घर चल रहे हैं अलीगढ़ के लिए, कलेक्टर साहब पर 2 महीने की छुट्टी मांगेंगे और होली बीत जाएगी तो ड्यूटी पे अपनी मुस्तकिल आराम से रहेंगे। उधर 2 महीने की छुट्टी मांगने के लिए दोनों साहब सलाह मिलाकर चलते हैं। भागी के पटारी रे कहलिया बारी के मौत खा कयाली गड़ा जा रही, ड्राइवर ने दयो हैंडला गाड़ी लगी रही पान रे पहने कया बारी खाली गड़ा हाथ ना गया रे उतारी, ड्राइवर हैंडल को लगा देता है। थोड़ी सी देर के अरपे में दोनों साहब अलीगढ़ पहुंच जाते हैं और चलकर भारत की कहां पहुंचते हैं, आगे घूमता धामता वहां पे पहुंचेगा बैठे जिला दीपा पर तार, आगे दोनों ने आदाब बजायो अपनी की करे दलदारी, धीरे मेरे हाथ में पाँव समझावत कैदल खैर के पिला घर, मुझे महीना चीरे छोटिया दे दो हाथ में मेरे बालक बीमार,
आए कल सुबह 6 बजे या अचानक आयो स्टेशन पे तार लगे पुणे कलिया देखा पाते बीमारी हाथ मनाए रहुआ पवर तारार तहसीलदार कहने लगे हमें 2 महीने की छुट्टी दे दो हमारे बालक बीमार है कल 6 बजे अचानक स्टेशन पर तार आया हमारे होश हवा पड़ गए इंतजार आप सोचने लगे भारत सिंह क्या ड्यूटी तो करनी है सही धीरे करे समझाले काला कर कह गए खरी के खाने आधार ये राधा चरण के डरा पे हाथ में छोटी मांग पते पिनादार उधर चारक साहब कह देते हैं कहने लगे ये तो हाथ में राधा चरण के डर से छुट्टी मांग रहे हैं कलेक्टर एकदम अवाक रह जाते हैं पूछते हैं क्या डर है तहसीलदार तुम्हें कहने लगे कोई बात नहीं है अच्छा बात तो कोई होगी कि बात बात क्या है होली वाले दिन कत्ल की रात है भाई ये क्यों क्या हुजूर यो की क्यों क्या मांग रहा है क्या हुजूर भाई राधा चरण अवारा है अच्छा क्या राधा चरण ज्यादा दिलेर है हुजूर बिना पूछ का फिर है कलेक्टर कहने लगे घबराइए मत मैं पुलिस को तार करता हूँ अरे डरे ऊपर को साहबू काला चर खोरी अंधार झटपट हुई कमरा में खटपट खटपट बटन पर फोरन फटपट साहबू रे हरे वाली नारी तार मिलाया तुरंत ही तार का मतलब हल करके और सीटी बजाते हैं पुलिस का नाम आ जाती है सीटी की आवाज को सुनकर और कप्तान कहने लगे सो नरे जगलू तोरे ध्यान लगाई बात मैं तुम्हें को दियों बतलाई घूमा बाना हल में मचाई खैर की साड़िया तोरे को पताई अब तुम जाकर करो रे पहाड़ी ताको दही और मजा चखाई मेरा आदेश व्यर्थ न जाई ने पाना गोली का दही और बनाई हुक्म करते हैं भारत की पुलिस को कहने लगे मेरा आज व्यर्थ नहीं जाया कलेक्टर साहब को पुलिस की जरूरत है गारत मार रहे हैं शहर में पुलिस बड़ी धूमधाम से पहुंचे राधा चरण को घेरने के लिए उधर सिपाही राधा चरण का नाम सुनकर डर जाते हैं हवा खपक जाती है मेरे भगवान अरे हाव पमें ओ सबने कह दिया तभारी आई Mm-hmm.
के पाई रा पानी आ गए हरे मार खाई कोई कोई तो कौन दामनी दीगा धरती इनाम में मिले अपरती रुपिया मिलांग रे डेढ़ हजार जताना सिंह भाइया मेरे राधा चरण तेरो यार क्योंकि भारत सिंह राधा चरण का वारंट डबल था जारफ साहब कहने लगे के बामन बीघा जमीन तो यह मिलेगी सर बेलकारों से मुलाकात करवा दूंगा पुलिस में भर्ती करवा दूंगा मेरे पैरों पर गौर तू दइए अरे फिर तू मने आवे पो खाइए सौकत तो फिर बन जाइए रतन सिंह तुरतलो बना दो अरे बाजो कर दो कि बनाओ उठा दो हालत में घड़ी के बताए दो आगे न पकड़ना को सवाल उधर इंजारा पाप में रतन सिंह में बातचीत हो रही थी भारत सिंह इंजारा पाप कहने लगे सर्वे अलकारों से मुलाकात करवा दूंगा किसी की ताब नहीं है जो हाथ बांध कर तुझे ले जाए उसमें राधा चरणा को भेज दिया बुद्धा पुनीर हुआ कान लगाई हो जा चलो रे दाता ले कर के बाद में ढालिया पास जाई बाद में कैन लगो रे ना हरते हो जा अपनुआ पीछा ना भाई ना हर तेरिया बताना यार ने तो के भैया बाली रे खूब बोराई पदार पुलपने मुख वाला लिया रे बनाई उधर रतन सिंह की और इंचार पाल की बातचीत को बुद्धा सुन रहा था खाने से लगा हुआ था परंतु जाकर के कहने लगा रतन सिंह तुम्हारे आने राधा चरण बहुत बुरा ईमान है आपसे क्योंकि पुलिस के मुखबर बन चुके हैं आपको गिरफ्तार कराएंगे तो रतन सिंह के बारे में राधा चरण को ये विश्वास ना था कि ये खिलाफत कर रहा है मेरी अरे एतानी पने बाला धा चरण बोधा मारिया है रे फटाकार अरे बोधा रे जुआ बांधा करे अपनी ना पाजिया क्यों बका तारे बेकार तनसीना पाथी अरे मेरो जिगरी भाले तने का यार और मुझे को मेरा यार जतन पिना करबा नहीं सके तारे ब्रह्मदार राधा चरण ने बुद्धा के लिए ललकार मारी बुद्धा रतन सिंह मेरा जुगरी वालेपन का दोस्त है मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकता है लेकिन उधर रतन सिंह के दिल में बदी समा जाती है भारत सिंह कितने हार के दिल में भैया अरे बादल बदी समाई रे अरे ना हर के फुट भावन को चल लेके तो पंगत ताई रे अरे उतम पुलिस की खबर केवल धाके में पुल पाई गई
राधा चरण सुन लेता है, बुद्धा से कहने लगा के हाँ ठीक है, बुद्धा तेरी वादन वाली रात में राज कहना जी। अरे मालूम पड़ी यार बतना में बांधी खूब बुराई रे, अरे तू गई ये होती आरम देखे हो बतना को जाई रे। जाके मैंने हाथ तो रतापनी बंदी तो उठाई रे, और पारी मंजिल काट पहुंच गए बतना के दुन जाई रे। उधर राधा चरण बुद्धा पे कहने लगा कि ढाके में प्यार रहना, बंदूक को उठाता है, कहने लगा मैं रतन सिंह को देखूंगा। रतन सिंह के पास आ जाता है, क्यों भाई हमसे तुम क्यों खिलाफ हो? रतन सिंह कहने लगे तुम कोई मेरे बाप हो? राधा चरण बोला रतना यार होकर इतनी मिठाई मंदर है। रतन सिंह कहने लगा चल वे ज्यादा बकबक मत करे। राधा चरण कहता है रतना बार सुनार जट गोली दीनी मार, रतन जमीन पर पछड़ जाता है। नागर पुलिस तक पैगाम पहुंचाते हैं, पुलिस फौरी बिलात से बिलफन के लिए बुलाती है राधा चरण के पकड़वाने के विषय में। और बिलफन आता है अपनी भेदी से कहता है अजीगढ़ कि हमें राधा चरण को जरूर पकड़ना है, उसने बड़ी जनता में परेशान कर रखी है। तो बोई बुद्धा गहरे के खाने पर लग रहा था और जाकर के राधा चरण से क्या कहता है भारत सिंह, जाइए अब तू राधा रे चराना ये होशियार, होशियार भैया राधा रे चराना ये होशियार। सब साढ़े आठ मन भजन बताते हैं बिलपन में यार, तो मैं तो भजन है दीपा धड़ी पन बामन के बन खाना।